इशारा करे रात के आठ का, तब वक्त होता है आरबीएसएच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएसएच की आवाज। जयसिंह जी, तीसरे चुनाव में आपको जो विजय मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। माने बधाई के लिए थैंक यू। और ये तीसरा नहीं, मेरा चौथा था और चौथे में मुझे कामयाबी मिली। ये मुझे कामयाबी तो नहीं मिली, ये सुमावली की जनता को कामयाबी मिली है। और मैं सुमावली की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ये जो इसने भय फैला रखा था, आज कल से ही जनता भय मुक्त रहेगी, ये मैं जनता को भरोसा दिलाता हूँ। और जो अवैध खनन जो रेत का चल रहा था, मैंने उस आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि वो कल से होशियार हो जाएं। और शासन प्रशासन, मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि शासन प्रशासन को साथ लेकर और रेत को अवैध जो खनन चल रहा है उसको रोकने की प्रयास करूंगा और रोकूंगा। और ये उनके नेता को भी मैं बता देना चाह रहा हूं, माननीय कंसाना जी को, जो पीएचई मंत्री थे अभी, जिनको मैंने हराया है, कि वो भी अपने समाज को समझाने की कोशिश करें। अभी अभी मेरे पे खबर मिली है कि उनके गुर्जर समुदाय ने किसी कुसुमा में एक गोली मार दी है। और मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर वो ऐसा करने पे उतारू हैं तो कल चैलेंज के साथ आ जाए ना, 10 बजे कहाँ जहाँ वो बुलाना चाहे वहाँ हमारा समाज आ जाएगा, उसका समाज आ जाएगा। माननीय एसपी साहब मुझे समझाते रहते हैं, मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूँ, लेकिन एसपी साहब प्रशासन कहाँ था? मैंने जबकि 4 दिन से कह रहा था कुशवाहा को गोली लगी है, अभी ये पता नहीं है वो घायल है कि ख़त्म हो गया है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो भय फैलाने की कोशिश ना करें। और वो चुनाव हार गए, चुनाव बहुत से लोग, मैं भी 3 चुनाव हारा था, लेकिन मेरे समाज ने ऐसा आतंक नहीं किया था। मैं पीएचई मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो अपने समाज को समझाएं और शांति से अपनी 3 साल बिताएं। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मेरी प्राथमिकता विकास, विकास में मेरी सरकार होती तो ये है कि मैं मन चाहा विकास कर सकता था, लेकिन जो एक विधायक को फंड मिलेगा उससे ही मैं जनता का मन समझाऊंगा और जनता के से कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ चलूंगा। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए आरबीएस न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।